चंडीगढ़ स्थित अलांते मॉल में काम करने वाले कर्मचारी, जिनमें सेल्स ऑफिसर, सफाई कर्मचारी इत्यादि लोगों ने अपनी नौकरी को लेकर पत्रकारों के समक्ष अपनी बात कही। हाँ, मेरा नाम नानमून है। मैं ग्रीन एशिया कंपनी में एलएनटी मॉल में काम करता था, ठीक है। तो ग्रीन एशिया का कॉन्ट्रैक्ट जो है एलएनटी मॉल से ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन ग्रीन एशिया वाले ने हमें ये नहीं बताया कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है ख़त्म होने वाला है। हमको क्लाइंट ने नोटिस दे दिया, ठीक है। उन्होंने ये हम लोगों को बोला कि आप लोग काम करते रहिए, घबराइए मत, आपको नौकरी की कोई टेंशन नहीं है, आप यहाँ पे ही करते रहेंगे काम, ठीक है। अचानक क्या है, 3 अक्टूबर को आके हम लोगों को बोल रहे हैं, ग्रीन एशिया के साइट हेड मिस्टर दर्शन सिंह बोल रहे हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से ख़त्म हो गया है, आप लोग घर जाओ, ठीक है। उसी टाइम हम सारे लोग बेरोजगार हो गए, जितने भी ग्रीन एशिया के एम्प्लॉय थे सारे बेरोजगार हो गए, कम से कम 250-300 एम्प्लॉय थे सारे बेरोजगार हो गए। जब हमने उनसे पूछा कि हमारा जो पैसा है वो पैसा हमारा कब आप दोगे, तो बोले कि 10 दिन के अंदर आप लोगों का पूरा पैसा हम दे देंगे, जो कि अभी तक कम से कम 7-8 महीना हो गया है, हम लोग दौड़ रहे हैं डेली, लेकिन हमारा 1 भी रुपया अभी तक उन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने एक एप्लीकेशन लेबर कोर्ट सेक्टर 30B में मिस्टर रमेश चंद धीमान जी को हमने केस दिया कि हमारी आप सहायता करो, हमारी हेल्प करो। उनके पास हम लोग 6 महीने से लगातार दौड़े, वो हमको डेट पे डेट देते रहे, लेकिन हम लोग का सारा यूनिफॉर्म, हमारा ग्रेजुटी का फॉर्म सारा कुछ जमा करवा लिया और हमको बोला कि आपको जो है 18 मार्च के पहले पहले सारी पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। और आज 18 तारीख के डेट में हम लोग इस टाइम लेबर कोर्ट में आके गुहार कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा पैसा क्यों नहीं आया, लेकिन अभी तक 1 रुपया नहीं आया, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने लेबर इंस्पेक्टर साहब को बोला कि आप MD को बुलाओ या उनके साइट हेड को बुलाओ, तो उन्होंने MD के पास फ़ोन किया, जो कि उसके MD मिस्टर अजीत चहल जी हैं, उनके पास फ़ोन किए लेबर इंस्पेक्टर सर, और अजीत चहल बोले कि उन लोगों को बता दो कि हम 1 रुपया नहीं देंगे, जहां जाना है जाए, जो करना है कर लें, ठीक है। उन्होंने सीधा मना कर दिया है, हम कोर्ट को नहीं मानते हैं, जो कोर्ट केस कर दिए हैं उनको हम 1 रुपया नहीं देंगे, 1 रुपया नहीं देंगे। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश टीवी के लिए मनदीप गौतम की रिपोर्ट।